दोस्तों आज अपन इस वीडियो में सैमसंग की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे। और क्या आपको पता है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पुरानी कंपनी है? तो ये सब देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सैमसंग कंपनी की स्टार्टिंग 1938 में हुई थी और इसके जो फाउंडर है वो है ली ब्यंग चल। कितनी अमेजिंग बात है ना, सैमसंग अपने फ्रीडम से भी पहले एस्टेब्लिश्ड हो गई थी। और क्या आपको पता है सैमसंग की जब स्टार्टिंग हुई थी तब वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, फूड आइटम में थी। वो नूडल्स बना के बेचा करती थी। दोस्तों सैमसंग बहुत सारे डिविजन्स में अवेलेबल है, जैसे सैमसंग हेल्थ है, सैमसंग डिफेंस है, सैमसंग कंस्ट्रक्शन है। और क्या आप लोग को पता है जो बुर्ज खलीफा का जो कंस्ट्रक्शन है जो कि दुबई में है, वो भी सैमसंग कंस्ट्रक्शन ने किया है। सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टार्टिंग 1969 में करी थी। उस टाइम उन लोगों ने चिपसेट, टेलीविज़न एंड अदर एसेसरीज बनाना स्टार्ट किया था। और आज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट सबसे बड़ी कंपनी है। ये वर्ल्ड में नंबर वन पे आती है और इसका जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो 25% से भी ज़्यादा है। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है साउथ कोरिया का जो फर्स्ट फाइटर जेट है वो भी सैमसंग के ही एक डिवीजन सैमसंग डिफेंस ने बनाया था, जिसका नाम है KF-16। और सैमसंग का जो हेडक्वार्टर है वो है सोल एंड सुओम, जो कि साउथ कोरिया में है। और करंट में सैमसंग के जो CEO है वो है को डोंग चिंग। और क्या आप लोगों को पता है 2004 में सैमसंग के पास अपॉर्चुनिटी आई थी एंड्रॉयड को ख़रीदने की, बट उसने ऐसा नहीं करा और फिर आगे चल के गूगल ने उसको ख़रीद लिया। और आप लोग को पता है एप्पल के जो आईफोन 11 है और 12 है उसमें सैमसंग के डिस्प्ले लगे हैं। जब भी कोई आईफोन बिकता है तो सैमसंग को भी फ़ायदा होता है। दोस्तों सैमसंग ने फर्स्ट स्मार्ट वॉच 1999 में ही लॉन्च कर दी थी, जिससे आप सिम लगा के कॉलिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों 1995 में सैमसंग के जो CEO थे ली, उन्होंने 1,50,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अपने 20,000 एम्प्लॉइज के सामने रख के हैमर से तोड़ दिया और उसे बर्न कर दिया, सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए। अगर सैमसंग के प्रोडक्ट फेल होते हैं तो वो कभी लॉन्च ही नहीं होंगे। दोस्तों सैमसंग का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन 2013 में लॉन्च हुआ, सैमसंग गैलेक्सी S4 है। इसको सैमसंग ने 80 मिलियन यूनिट से भी ज़्यादा को बेचा था और ये वर्ल्ड का भी सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है। दोस्तों क्या आप लोग को पता है सैमसंग ने अपना फर्स्ट 5G फ़ोन 2019 में ही लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी S10। और ये वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट फ़ोन था जो 5G सपोर्ट था। तो यही था वीडियो दोस्तों, आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिली होगी और इस वीडियो से आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले होंगे। और दोस्तों आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैंने एप्पल और गूगल के ऊपर भी फैक्ट्स वाला वीडियो बनाया है, तो आप ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।